ओके सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखो बेसिकली नंबर सिस्टम में हम करने वाले हैं, नंबर सिस्टम में दो पढ़े, नंबर वन हमने पढ़ा है इंडियन सिस्टम, ठीक है, जिसका मतलब होता है 8 9 5 2 3 6। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं 3, फिर 2, 2, 2, आगे बढ़ते रहते हैं। पहले कॉमा लगाते हैं हम लोग 3, फिर 2, 2 पे, ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम 3 2 2। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में सपोज करो यही है 8 9 5 2 3 6। देखो अब इसमें क्या होगा, कॉमा लगाएंगे हम लोग 3 डिजिट्स के बाद 3 3 3, क्या बनाएंगे कॉमा लगाएंगे 3 3 3, यहाँ पे लगना चाहिए, पर यहाँ पे लास्ट ऐसे हम नहीं लगाएंगे। सपोज करो यहाँ पे ये होता तो यहाँ पे लगता, ठीक है 3 3 3। यहां तक समझ में आ गया इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? यश और दीपांश कोई डाउट है बोलो। नहीं, पहले 3 होता है फिर 2 2, देखो बोर्ड पे ध्यान से 1 2 3 फिर 1 2, देखा इंडियन में 3 2 2 और इंटरनेशनल में 3 3 3 3, ठीक है। अब हम करने वाले हैं नंबर नेम। राइट द नंबर नेम, देखो अभी हम नंबर नेम लिख रहे हैं इंडियन सिस्टम में। कौन सिस्टम में लिख रहे हैं हम लोग, इंडियन सिस्टम में। देखो 1 10 100 1000 10000 लाख, मैंने बताया था ग्रुपिंग कैसे होती है इंडियन में 3 2 2, ग्रुपिंग होती है हमारी 3 2 2, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे, फोर किस कॉलम में दिख रहा है दीपांश बोलो, फोर कौन से कॉलम में दिख रहा है? गुड, तो हम यहां लिखेंगे 4 लैक्स। अब अगला कॉलम क्या दिख रहा है मेरे को, 65, गुड 65,000। एंड ये हमेशा इकट्ठा पढ़ते हैं क्योंकि इनका ग्रुप होता है 3 का, 300, गुड 43, ठीक है। अब इसी चीज को मैं लिखूंगा इंटरनेशनल सिस्टम में, किस में लिखूंगा मैं, फोर सिक्स फाइव 3 4 3, इसमें ग्रुपिंग होती है 3 की। अब नंबर लिखेंगे 1 10 100 1000 10000 फिर 100,000, फिर आता है हमारे पास 100,000, ठीक है। आप इसे क्या पढ़ेंगे पूरा रीड करो, 465,000 और फिर लिखोगे गुड 300, ठीक है। समझ में आ गया, हमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं उन्हें ट्राई करो, ठीक है, और मुझे स्क्रीन पे दिखाना है, बता रहा हूं मैं नोटबुक में लिख के।
बोलो बोलो दीपांश, ऑफ कोर्स क्वेश्चन लिखोगे तुम? अच्छा हाँ जी, हाँ जी देखो, ये आप लोगों को पहले लिखने हैं इंडियन सिस्टम में, फिर लिखने हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है? देखो हाँ जी, इस लिखो इंडियन सिस्टम, इन इंडियन सिस्टम, ठीक है? फर्स्ट इंडियन सिस्टम है। देखो हम क्या करेंगे, देखो कॉमा लगाएंगे 1 2 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, फिर यहाँ आएंगे 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, ठीक है? फर्स्ट वाला एक बार कर रहा हूं मैं, चेक करो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 4 करोड़, 5 लाख, 30 कौन से कॉलम में, 1000 में, 30,000 एंड 2 1s है, मतलब कि 217। समझ में आ गया? अभी इंडियन सिस्टम में लिखना है आप लोगों को, क्वेश्चन कॉपी कर लो घर पे। हाँ बोलो। नहीं, क्वेश्चन रीड करो, राइट द नंबर नेम इन इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में ही लिखने हैं, ठीक है? जल्दी लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये होमवर्क करना है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया कैसे करना है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट ने करवा दिया, बाकी करना है। अरे लिखो फर्स्ट पार्ट, तो आइडिया होगा तुम्हें। ओके
बोलो आओ, बीच में आओ, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया। बोलो क्या है? हाँ जी, इसको आप तुम मत करो, इसे सिर्फ रिकॉर्ड वीडियो में देख लेना, ठीक है? मैं नेक्स्ट करवा। हाँ जी बिल्कुल, मुंह मत चलाओ विकास, ऑनलाइन क्लास है, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, बता रहा हूँ क्लास से, बिहेव योर सेल्फ। ओके वीडियो ऑफ कर दो अपनी, फिर 1 सेकंड हो गया, आ जाओ। चलो चलो बोलो। नहीं अभी तुम्हारे, अच्छा हाँ बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, ये पूरा लिखना तो पड़ेगा तुम्हें। राइट द नंबर इन इंडियन सिस्टम, नंबर नेम नहीं है, आपको नंबर लिखना है इसमें, नंबर लिखना है। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, देखो कैसे करते हैं। अब क्या लिख रहा है तुम्हें, ये करोड़, तो कहां तक लेके जाओगे तुम लोग, कहां तक लेके जाओगे? करोड़ तक लेके जाओगे। ग्रुपिंग बना दो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, ठीक है? आप देखो करोड़ की कॉलम में क्या दिख रहा है तुम्हें, 5, तो सिंपल करोड़ में से 5 लिख दो। अब 1000 में, लैख में क्या दिख रहा है आप लोगों को, लैख, तो लैख का कॉलम होता है 32, ठीक है? अब 1000 में क्या दिख रहा है, गुड। और लास्ट का 3 होते हैं कॉलम में, 304, 304, गुड। आ गया समझ में आप लोगों को, ठीक है? ओके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छा इसका आंसर दीपांश बताएगा। बिल्कुल सिमरन, म्यूट कर लो अपने आप पे, म्यूट रखो अपने आप पे, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इसमें, ध्यान रखो।
दीपांश आंसर बताओ, मेरे को आवाज नहीं आ रही दीपांश तुम्हारी। यश को बता दो, यश बता देगा मुझे। हाँ बोलो, आ तो रही मुझे। दीपांश दोबारा लॉग इन करो, दोबारा करो। सिमरन तुम बताओ इसका आंसर। बोलो आगे बोलो। जीरो 20 होता है, 2020 होता है। 02। गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट। गुड, आगे समझ में। एक चीज का ध्यान रखना, 20 और 02 का, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें नोट डाउन कर लो, घर पे कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ट्राई कर लेना घर पे। चलो नेक्स्ट बता देना, सी पार्ट तुम ही बता दो। चलो बोलो, विकास इसका आंसर। बोलो आंसर विकास। बोलो आंसर। ऑन है स्क्रीन, ध्यान से देखो, ऑन ही है। नंबर बताओ, नंबर नंबर क्या बना। स्क्रीन ऑन ही है। अच्छा जी, रहने दो। यश बताओ, यश बताएगा, बताओ यश, बोलो। पहले खाई लो, पहले तुम खा लो पहले तुम, ठीक है, उसके बाद करते। सुनो, 40 करोड़, ठीक है, 40 लिख दिया। आगे 27 लाख, 20, ठीक है, 2000, 2000 को हम लिखेंगे 02। कैसे लिखेंगे 2000 को? 683, ये नंबर बनेगा इसका। बोलो, क्योंकि 1000 कॉलम में दो हैं। हाँ बोलो दीपांश। वो क्या, कोई बात नहीं। हाँ रिकॉर्ड वाले सेशन में देख लेना, रिकॉर्ड हो रही क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
अब हम करने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस 2, 1, 4, 3, 6, 7, 5, 4. अभी हम सिर्फ इंडियन सिस्टम से कर रहे हैं, कौन सिस्टम से कर रहे हैं हम लोग, इंडियन सिस्टम से. बोलो मैं कर दे रहा हूँ, रुको मैं कर दे, रुको हो गए सब म्यूट, ठीक है. देखो दो ऑप्शंस हैं, आप लोग कैसे कर सकते हो, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़, ठीक है. नंबर वन फोर वन, या फिर आप लिख सकते हो सिंपल फोर. सेकंड लिख सकते हो आप लोग फाइव टेंस, या फाइव के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आप लोगों को, वन डिजिट, तो उतनी जीरो लगा दोगे. सेवन हंड्रेड, और सेवन के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं पीछे, दो, तो सेवन टू जीरो. बोलो बोलो, बिल्कुल आ रही है. हाँ हाँ तभी तो कह रहा हूँ, बार लॉगिन कर दे ब्रो. सेवन जीरो, ठीक है. विकास सिग्नल समझ में आ रहा है, कुछ लिख भी रहे हो कॉपी में से बैठे देख रहे हो. माइक ऑन करो पहले. ठीक है देखूंगा मैं कितना करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन विकास, मुझे सब दिखाई दे रहा है. अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो भी अंडरलाइन डिजिट है हमें उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है. देखो जैसे कि नंबर वन है 1, 3, 4, 2, 8, 6, 2, 0, 5. सिमरन बताओ कौन सी है ये, इसकी प्लेस वैल्यू क्या थ्री की, बताओ जल्दी. वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़, तो इसकी आ जाएगी थ्री करोड़. यहाँ पे सिंपल थ्री के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. नेक्स्ट यश तुम बताओगे नेक्स्ट को.
और थर्ड बताएगा दीपांश। थर्ड दीपांश बताएगा। देखो जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है, इसका आंसर जीरो रहेगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैख, 10 लैख। 10 लैख को अगर 10 लैख को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ दीपांश, थर्ड का आंसर बताओ जल्दी बताओ दीपांश, टाइम नहीं इतना। बताओ 4000 है, 4 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 4 10,000, 4 10,000। हो गया बस, अब रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है क्लास की। बताओ चलो तुम फर्स्ट वाले में 2 की वैल्यू बताओ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 की क्या थी? हाँ तो फर्स्ट में 200 सही है और 2 लाख भी सही है। हाँ जी ऊपर चेक करो, 2 के ऊपर 100 ही है। क्या चीज ध्यान नहीं है मतलब तुम्हारा दीपांश? तुम बताओ सेकंड वाले में 3 की वैल्यू। बोलो दीपांश की आवाज आ रही किसी को? अच्छा मुझे भी नहीं आ रही दीपांश की, दीपांश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ मुझे पता लग रहा है बोल रहा है पर तभी कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही उसकी। ये हो गया, विकास सिमरन को मैं क्लास से आउट कर रहा हूं, कर दूं? तो ऐसे उल्टे सीधे लेट के क्लास लोगे तुम? ना ही नोटबुक है ना ही पेंसिल है, कुछ लिखना नहीं है तुम्हें, मैं एंटर नहीं करने दूंगा कल से, देखना नहीं हुई नोटबुक पेंसिल तुम्हारे पास। बोलो कोई छोड़ने नहीं है, पेज सीधे लिखते रहो। अब सुनो जो कार्टून कैरेक्टर के बारे में बोला था यश बताएगा सबसे पहले, स्टार्ट करो यश। कार्टून कैरेक्टर के ऊपर 5 लाइन। इंग्लिश, हिंदी में नहीं चाहिए मुझे, ध्यान रखना। नो, फुल इंग्लिश चाहिए मुझे। आप ही बोलोगे ना माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इज जो भी डैश। हाँ ट्राई करो मैं एडिट कर दूंगा उसे, बोलो जरा तुम।
ट्राई करो, अरे ट्राई तो करो। अरे कार्टून कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी तुमने लिखा होगा इंग्लिश हिंदी में, ट्राई तो करो एक बार, इंग्लिश में करो, हिंदी में नहीं। हाँ तो बोलो जो लिखे बोलो। हाँ स्टॉमेक बोलते हैं, स्टॉमेक, ठीक है स्टॉमेक। अरे ठीक, काफी अच्छा लिखा हुआ है तुमने, ये कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। नेक्स्ट सिमरन बोलो तुम। मेरे को तो 4 ही लाइन सुनाई दी है। ठीक है मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे किसी को 5 की आवाज आ रही है? चलो बोर्ड पे ध्यान दो एक बार सब। देखो ये बहुत बेसिक चीज है, एक बार ध्यान दो बोर्ड पे। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ध्यान रखो। 1, 3, 5 और जितने भी काउंटिंग तक है। इवन नंबर वो, इवन नंबर, गुड। 7 तो ऑड नंबर होता है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? 7, 11 ऑड नंबर है। मुझे लग रहा है तुम दोनों को निकालना पड़ेगा क्लास से, सिमरन या फिर विकास में से कोई एक जन जाएगा। ठीक है नेक्स्ट हमारे आते हैं होल नंबर्स। जीरो से जो भी नंबर स्टार्ट। हाँ बोलो कोई बात नहीं। होल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ स्टार्ट होते हैं? हाँ तो मैंने तभी तो बोला है ये विकास के लिए स्पेशली, तुम्हारे लिए नहीं है। अब किसी को भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे एक बार ले आओ, मैं फिर सॉल्व करवा के क्लास ओवर करता हूँ। कुछ भी समझ में ना आया हो तो नोटबुक पे लिख दो और मेरे को दिखा दो एक बार। दीपांश नोटबुक पे लिखो, वीडियो ऑफ है तुम्हारी। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्वेश्चन लिख दो ना, मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा ना क्या फर्स्ट क्या बोलना चाह रहे हो, क्वेश्चन बताओ। स्क्रीन कौन सी वाली? एरो वाली पेस वैल्यू। अच्छा लो छोटे नंबर से देख लो।
देखो 4, 8, 2, 1 ऊपर क्या दिख रहा है, वन टेन हंड्रेड और ये फिर समझ में आ रहा है यश? अब वन के ऊपर क्या नंबर दिख रहा है आप लोगों को, तो वन को लिखेंगे वन, फिर लिखेंगे टू के ऊपर क्या नंबर दिख रहा है टेन, और यहां पे देखो टू के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं तुम्हें, तो उसके बाद वन जीरो लगा दोगे। अब एट के ऊपर क्या दिख रहा है आप लोगों को और कितने नंबर दिख रहे हैं एट के बाद, तो एट के बाद टू जीरो लगा दोगे। सेम फोर के ऊपर क्या दिख रहा है और कितने नंबर दिख रहे हैं फोर के बाद, तो फोर के बाद थ्री जीरो लगा देंगे। ये है कोई डाउट क्लास को कर दूं मैं फिर, या कुछ पूछना है तो पूछ लो। दीपांश कोई डाउट है? हाँ बोलो। नहीं आ रही दीपांश? हाँ बोलो। नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग जब मैंने बोला बंद होगी तब बंद हो चुकी है। हाँ बोलो। दे तो दिया मैंने होमवर्क तुम्हें, ध्यान से देखो। और कुछ नहीं है, मैं इस पे पोस्ट कर दूंगा अगर होमवर्क होगा, ठीक है? स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा मैं, चेक कर लेना। सिमन क्लास लीव करो, दीपांश क्लास लीव करो, क्लास ओवर हो चुकी है। दीपांश लीव करो, क्लास खत्म हो चुकी है।